हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। और जो हमने सीरीज शुरू की एक्टिव और पैसिव वॉइस की, ये उसकी वीडियो नंबर सेकेंड है। फर्स्ट वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए जो हमको 5 रूल्स की ज़रूरत है वो हम सीखने वाले हैं। तो एक बार हल्का सा हम अपना जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रशअप करेंगे, फिर हम अपने रूल्स की तरफ चलेंगे। तो हमने ये सीखा था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो हमने एक्टिव वॉइस में बात की थी कि हम एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, हम कोई भी बात सीधे सीधे बोल देते हैं, और वही बात जब हम घुमा करके बोलते हैं तो हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं। साथ ही में ये भी हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, वहीं पैसिव वॉइस में प्रेफरेंस इसको दी जाती है ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था हमने। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप पहले फर्स्ट वीडियो देख ले, फिर हम रूल्स को सीखेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम रूल्स की तरफ अपने चलते हैं जो अब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 5 मेन रूल्स जो हमारे हैं एक्टिव से पैसिव, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन सिर्फ आपको 5 रूल्स के सहारे ही आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में जा सकते हैं। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। तो पहला जो हमारा रूल है वो किससे जुड़ा हुआ है, मींस लिखा भी हुआ है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट एंड टेंस। ये हमारा पहला रूल है। मींस आपको एक्टिव से पैसिव में जाना है तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में क्या करना होगा कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई क्या करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और टेंस क्या है। क्यों? क्योंकि इनके बगैर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। पहचान अगर नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कन्वर्ट करना और कन्फ्यूजन भी बहुत सारी होगी। तो देखो सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई राइट अ लेटर, ये सेंटेंस हमने देखा। तो अब आप इसको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली इसमें आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर अगर हम बात करें कि हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन हमारी वर्ब राइट है। और फिर हमारा अ लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा मैंने पहले बोल दिया। तो हमने ये पहचान लिया। तो पहला काम आपको क्या करना है, सेंटेंस को पहचानना है। आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल जो हमारा अगला है वो है शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि पहचानिए इस सेंटेंस को तो आप कैसे करेंगे, तो पहली चीज़ तो सेंटेंस कैसा हमारा है, ये हमारा है असर्टिव है, यानी कि ये असर्टिव में भी पॉजिटिव है। अब सब्जेक्ट हमारा शी हो जाएगा और इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, रीडिंग वर्ब हो जाएगी, द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये भी हमने पहचान लिया। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अमित हैज़ डन हिज वर्क। अब अगर मैं बोलूं कि इस सेंटेंस को आप पहचानिए, मतलब इसका टाइप पहचान लीजिए और सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, साथ में उसका टेंस पहचान लीजिए। ये सारे काम आपको पहले रूल में करने हैं। तो इसको आप पहचान करके क्या बताएंगे, अमित हमारा सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, डन थर्ड फॉर्म हो जाएगा और हिज वर्क जो हमारा है ऑब्जेक्ट है। एक चीज और आपको याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मतलब क्या है कि अगर आप एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं तो उसमें जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव होती है, मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो एक्टिव से पैसिव में आप नहीं जा पाएंगे, मीन्स उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। तो ये रूल नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। तो पहले रूल में हमने क्या सीखा कि आपको सेंटेंस को देखना है और उसको पहचानना है, मतलब उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और साथ में उसका टेंस भी पहचानना होगा। तो ये तो हमारा हो गया पहला रूल हमारा। सेकेंड रूल की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कई बार एक्स रूल भी बोल देते हैं। अब एक्स रूल देखो क्या होता है कि इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट। पहला आपका मीन्स देखें अगर बेसिक की बात करें तो सेकंड रूल में हम क्या करने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। कहने का मतलब कि आपका ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज कर देना, मतलब आपको अदला बदली कर देना। जैसे मान लो कि है ना, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। मतलब क्या है कि जो आपका एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है ना। तो पहले हम इतना देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हमारा है, पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स। अब ये क्या करना है आपको, हमने रूल नंबर पहला आपको जरूर याद रखना है, उसमें आपको क्या था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
वर्ब, ऑब्जेक्ट और टेंस जरूर पहचान लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, पहचान लिया आपने, ये हमारा पोस्ट में सब्जेक्ट हो जाएगा डिलीवर्स, ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब हो जाएगा, और द लेटर्स क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या करना है आपको, रूल नंबर हमारा फर्स्ट वाला फिट हो गया। सेकेंड वाले में क्या करना रहेगा आपको, ऑब्जेक्ट हमारा जो द लेटर्स है उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और देखो कुछ और भी साथ में लिखा गया कि यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वही तो हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा पोस्टमैन है, तो देखो यहाँ पर पोस्टमैन को हमने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में पैसिव वॉइस में लिख दिया है, और उसके पहले हमने बाय इस्तेमाल किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में आपको बाय इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इसके अलावा और भी हैं, टू होता है, विद होता है, एट होता है, ये भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं बाय की जगह पर, ये एक्सेप्शन होते हैं, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए हम देखते हैं, तो हमने अब तक दो रूल्स देख लिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं। रूल नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना होगा, सेंटेंस को पहचानना होगा, उसके पार्ट्स को पहचानना होगा, है ना। सेकंड रूल में आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट बना देना, और जो मीन्स एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, रूल नंबर सेकंड के एग्जाम्पल्स भी कुछ दिए गए हैं। अब देखो पहला वाला, ही प्लेड क्रिकेट, तो पहला रूल हमारा क्या कहता है, सेंटेंस को आप पहचानिए, उसके पार्ट्स को पहचान लीजिए आप। तो इसमें ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो प्लेड डायरेक्टली वर्ब लिखी गई, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने पहला रूल हमारा सेट हो गया। अब सेकंड रूल में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है उसको हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि ही जो हमारा ये सब्जेक्ट है जब पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो हिम हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। तो देखो हमने क्रिकेट को क्या कर दिया, सब्जेक्ट को पहले लिख दिया, ठीक है। हालांकि और यहाँ पर आपको लगा देना है क्या, वॉज, तो हम वॉज जो हमारा रूल है हेल्पिंग वर्ब वाला, ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है, ही को हिम बनाया, और उसके पहले बाय का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा मीन्स क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला रूल फिट हो रहा है, ठीक है। और आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, अ टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, आप इसको पहचानिए और फिर उसको क्या करिए, अपने से फटाफट करिए। तो रूल नंबर फर्स्ट वाला हम बिठा देंगे, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, मीन्स द स्टूडेंट जो हमारा ही ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस में ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और उसके बाद में यहाँ पर देखो अ टीचर हमारा सब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके पहले हमने लगा दिया बाय। तो आपको सेकेंड रूल तक ये हमने सीखा, ठीक है। अब हम थर्ड वाला रूल देखते हैं, सारे रूल्स हम एक बार सीख लेंगे, उसके बाद हम सारी चीज़ें एक साथ देखेंगे, पूरा कन्वर्जन करेंगे, एक्टिव से पैसिव में कैसे जाना है, है ना। तो रूल नंबर हम थर्ड की बात करें, तो रूल नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, तो चेंज द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द थर्ड फॉर्म मींस वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव में जाना होता है तो उसकी एक मेन पहचान ही होती है कि मींस पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो आप बोलेंगे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ना। ये इसकी मेन पहचान है कि अगर पैसिव वॉइस पहचानना होगा तो आप क्या बोलेंगे, आप सेंटेंस में देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, ना। तो एक्टिव वॉइस में कैसे भी हमारी वर्ब रहे, पैसिव वॉइस में हमेशा किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आने वाली है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोल देते हैं। अब तक हमने तीन रूल सीख लिए, तीनों को हम अप्लाई करके देखते हैं। तो पहला आपको सेंटेंस को पहचानना, पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर, पोस्टमैन हमारा सब्जेक्ट है, डिलीवर्स हमारा वर्ब है, और द लेटर्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगेन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब सेकंड वाला रूल हम फिट करते हैं, द लेटर्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, जो कि आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, है ना। तो यहाँ पर हमने द लेटर्स को सब्जेक्ट बना दिया, और पोस्टमैन को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके पहले बाय का इस्तेमाल कर लिया, और वो अब कौन सी लगाई, डिलीवर, यानी कि थर्ड फॉर्म लगा दी है, है ना। तो ये हमारा अब तक का तीन रूल हमारे हो गए। अब हम आगे देखते हैं, पहले हम इसको करते हैं, जो आई हैव मेड अ केक, आई हैव मेड अ केक, आप तीनों रूल को इस पर फिट बिठाइए। तो सबसे पहले आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा रूल नंबर फर्स्ट कहता है सेंटेंस को पहचानिए आप। तो आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी मेड यहाँ पर हमारा वर्ब है, और अ केक हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रूल नंबर सेकेंड, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है आप उसको सब्जेक्ट बनाइए, तो अ केक हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर। और आई हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, यानी कि आई का मी हो जाएगा,
क्लियर। तो ये हमारा हो गया। फिर हमने रूल नंबर थर्ड क्या सीखा कि आपको वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो हालांकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है तो मेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, तो आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना है ना। तो इसका पूरा अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, अ केक हैज बीन मेड बाय मी, है ना। अब आप बोलेंगे हैज बीन कहाँ से आ रहा है, हम नेक्स्ट रूल में भी सीखेंगे, है ना। तो हमने तीन रूल अब तक सीख लिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, रूल नंबर फर्स्ट सेंटेंस को पहचानना है, उसके पार्ट्स को पहचानना है। फिर रूल नंबर सेकंड, जो एक्टिव हो इसमें सब्जेक्ट है आप उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब आप यहाँ सब्जेक्ट है इसको इधर लेके चले जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट इधर लेके चले जाएंगे, है ना। मीन्स तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मीन्स एक्स रूल जो मैंने बताया ये फॉलो हो जाएगा। रूल नंबर थर्ड में आपको वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। आगे चलते हैं, रूल नंबर थर्ड के एग्जाम्पल दिए गए बहुत सारे, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं और अपने से ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम लास्ट वाला करके आपको दिखाते हैं ना। दे हमारा रूल नंबर फर्स्ट, दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प वर्ब है, द पुअर ऑब्जेक्ट है। अब रूल नंबर फर्स्ट हमारा फिट हो गया, सेकंड वाला क्या करेंगे, द पुअर को यानी कि द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, है ना। तो द पुअर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, दे हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट यानी दे का हो जाएगा देम, उसके पहले आपको लगाना है बाय, और हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, है ना, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। और विल बी यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में यूज करना होगा, अभी हम हेल्पिंग वर्ब देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपको इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो द मीन्स पुअर विल बी हेल्प्ड बाय देम, है ना, ये हमारा पैसिव वॉइस में बन जाएगा। ओके, अब रूल नंबर हम फोर्थ सीखते हैं। रूल नंबर फोर्थ कह रहा है कि वाइल कन्वर्जन ऑफ पैसिव वॉइस मीन्स पैसिव वॉइस सॉरी एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस द प्रोनाउन यूज्ड इन द सेंटेंस आल्सो चेंजेस। हाँ, तो वही अब देखो हम, अब आप बोल रहे थे ना कि दे को कैसे भाई देम कर ले रहे हैं, तो अब हम वही सीखने वाले हैं, ही को हिम कैसे हमने कर दिया, वही हम रूल सीखने वाले हैं प्रोनाउन को। तो देखो इसका पहले हम देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं, मीन्स ये हमारा चार्ट है। तो देखो अगर एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट में अगर आपको आई दिखा तो यही हमारा पैसिव वॉइस में जाके मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, है ना। वी अगर हमारा दिखा तो मीन्स क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा पैसिव वॉइस में जाके सब, है ना। और यू अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो यू का तो यू ही रहेगा। शी अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनेगी तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और ही अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव में जाने के बाद हिम हो जाएगा यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब ध्यान रखिएगा कि मान लो अगर ऑब्जेक्ट में ही मी दिया गया है, है ना, मीन्स तो आप उसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अस ऑब्जेक्ट दिया गया है तो जब आप उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से हर अगर ऑब्जेक्ट दिया गया तो आपको सब्जेक्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, शी लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आई है ना तो आई को अगर ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो मी लिखना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट में लिखेंगे तो आई लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम अब इसके एग्जाम्पल मीन्स देख लेते हैं। तो हमने ये भी देख लिया। अब देखो यहाँ पर आप बोलेंगे दे, देखो हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, अब ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन रहा है तो दे का क्या हो जा रहा है, देम हो जा रहा है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो वी जो लिखा है, वी हमारा क्या है कि ये हमारा सब्जेक्ट है। अब अगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मीन्स आपको ये फोर रूल्स अब तक आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से पूरा रिकैप कर देता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिए, रूल नंबर सेकंड सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, रूल नंबर थर्ड आपको हमेशा क्या करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और रूल नंबर फोर्थ आपको प्रोनाउन चेंज करने हैं, मतलब अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो उसको आपको पैसिव वॉइस में अस करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स अगर आई है तो मी करना पड़ेगा, वी है तो अस करना पड़ेगा ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दे का देम हो जाएगा। लास्ट वाला रूल हम देखते हैं, चेंज इन हेल्पिंग वर्ब। अब अभी तक जो हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा था ना वो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो देखो क्या है भाई, तो ध्यान ये रखना है आपको टेंस अच्छे से आने चाहिए। तो देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, अच्छा टोटल मैं पूछूं कितने टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, तो टोटल हमारे 8 होते हैं, सारे तीनों इंडेफिनिट और सारे तीनों परफेक्ट और दो हमारे कंटिन्यूस, है ना। तो मतलब हमारा एक फ्यूचर कंटिन्यूस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो तीन हमारे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीन हो जाएंगे, और तीन परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर 6 हो गए, और प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टोटल 8 हमारे हो गए। तो इनका ही क्या बनता है, एक्टिव वॉइस पे पैसिव, एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में इनको ले जा सकते हैं। अब जरा एक देखते हैं, एक्टिव वॉइस में जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा ना तो कुछ आपको इस तरह दिखेगा, या तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर क्या होगा उनके साथ में डू डज का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। तो जब आप पैसिव वॉइस में जाएंगे ना
तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, वॉज और वर्ब लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यस, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसकी आप पहचान क्या, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर डिड लगा होगा। तो जब पास्ट इंडेफिनिट आपको दिखे ऐसा तो आप क्या करिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे पैसिव वॉइस में वॉज और वर हो जाएगा, ठीक है। विल शैल को क्या करना होगा, विल शैल के साथ में आप विल बी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में आपको ना कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेंगी, बस आपको बीइंग का इस्तेमाल कर देना है, दैट्स इट, है ना। कि मींस कि इज एम आर है उसके बाद आपने क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया, वाज वर है तो उसके बाद क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया। मतलब क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी, बस आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है बीइंग, है ना। आगे देखते हैं, अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पर हैज हैव आपको दिखेगा एक्टिव वॉइस में, जब आप पैसिव वॉइस में जाएंगे तो हैज हैव की जगह पर आप क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो हैड है तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हैड बीन हो जाएगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल शैल हैव के साथ में विल शैल हैव बीन लग जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विल शैल हैव है और विल शैल हैव बीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मोटा मोटा आप इतना याद रखिए कि अगर तीनों इंडेफिनिट आए, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब किसके लगाएंगे, एक स्टेप आगे जाकर के कंटिन्यूस के लगा देंगे, ठीक है। कंटिन्यूस का अगर आया प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस तो आपको वही रहेगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन बस आपको बीइंग लगा देना है, दैट्स इट। परफेक्ट की बात करें अगर हम, तो परफेक्ट में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा, पास्ट है तो हैड आएगा, फ्यूचर है तो विल हैव और शैल हैव आएगा। तो आपको बस इसमें एक और वर्ड ऐड कर देना हैव बीन, मतलब एक्टिव वॉइस में है तो हैज हैव, पैसिव वॉइस में जाएंगे तो हैज हैव बीन, और अगर हैड बीन है, सॉरी हैड है तो हैड बीन, विल हैव है तो विल हैव बीन, शैल हैव है तो शैल हैव बीन, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, है ना। तो ये हमने देख लिया। अब एग्जाम्पल्स अच्छे से करते हैं फटाफट, देखो मीन्स अब सारे रूल्स हम, फाइव जो रूल्स हमने सीखे ना उनको हम फिट करेंगे। तो देखते हैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा तो इसका एग्जाम्पल देखो क्या होगा, आई राइट अ लेटर होगा। अब आई राइट अ लेटर को आप रोल नंबर वन से फिट कराइए। रोल नंबर वन कहता है कि सब्जेक्ट पहचानिए, हेल्पिंग वर्ब पहचानिए, वर्ब पहचानिए और ऑब्जेक्ट पहचानिए, साथ में उसका टेंस भी पहचानना है ना। तो हमने देख लिया आई इसमें सब्जेक्ट है, राइट हमारा है वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रोल नंबर सेकंड कहता है कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना दीजिए, तो हमने क्या कर दिया, पैसिव वॉइस में अ लेटर को सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया, ठीक है। और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मी हमने लगा दिया, उसके पहले आपने लगा दिया बाय। तो रूल नंबर हमारे टू फिट हो गए। रूल नंबर थर्ड की बात करें तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हमने लगा दिया। और रूल नंबर हमने फोर्थ जो फिफ्थ सीखा है कि अगर इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, कंटिन्यूस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब में जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लगता है, तो अ लेटर के साथ में इज लगेगा, तो इज हमने लगा दिया ना। तो ये हमारा बन गया आई राइट अ लेटर का क्या बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो आई रोट अ लेटर हो जाएगा हमारा। अब आई रोट अ लेटर में आपने देखा आई सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर हम अपना सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, अ लेटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो बनेगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, तो अ लेटर को हमने सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया। आई हमारा फिर से क्या है, मीन सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में जाएगा, तो मी हो जाएगा, उसके पहले आपने बाय लगा दिया। रोट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, आपने रिटन लिख दिया है। और आपको रूल नंबर जो फिफ्थ कहता है हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब में आप क्या कर लेंगे, है ना, मीन्स वॉज और वर का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आ लेटर के साथ में आप वॉज लगाएंगे, तो आ लेटर वॉज रिटन बाय मी, है ना। इसी तरह से आप क्या कर लेंगे, आई विल राइट अ लेटर, इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आ लेटर विल बी रिटन बाय मी हो जाएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर एक कंटिन्यूस का है, तो आपको पता है कि सारे रूल इसमें फॉलो होंगे, बस जो हेल्पिंग वर्ब वाला है हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी, बस बीइंग एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, और इज हेल्पिंग वर्ब तो वही है, अ लेटर के साथ इज लगाएंगे तो इज आपको चेंज कर देना होगा, और बीइंग आपको एक्स्ट्रा इसमें एक वर्ड लेके आना है। और राइट का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर राइटिंग लिखा है तो, लेकिन आपको पैसिव वॉइस में पता है वर्ब हमेशा कौन से लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा रिटन। और मीन्स क्या करेंगे, आई का जो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो मी हो जाएगा, उसके पहले बाय का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, है ना। फिर है
आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर वॉज बींग रिटन बाई मी हो जाएगा। अब आई हैव रिटन अ लेटर प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आपको इसमें सिर्फ टेंस चेंज करना होगा, यानी हेल्पिंग ऑफ अलग लगेंगी, बाकी आपको सारा सेम वही होने वाला है। अ लेटर मीन्स अब हैव है, तो आप हैव बीन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अ लेटर सिंगुलर है तो हैज बीन लगेगा, तो अ लेटर हैज बीन रिटन बाई मी हो जाएगा, है ना। मीन्स पास्ट में जाएंगे तो आई हैड रिटन अ लेटर क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाई मी। आई विल हैव रिटन अ लेटर तो क्या हो जाएगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी। तो ये हमारे टोटल जो हमारे एट बनते हैं उनके एट बन गए, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज है, मीन्स अगर आप एक बार इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। मीन्स ही मेक्स हिज ब्रेकफास्ट, तो ये एक्टिव वॉइस में, इसका जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो हिज ब्रेकफास्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हिज ब्रेकफास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग अब लगाएंगे कंटिन्यूस की, तो हिज ब्रेकफास्ट के साथ में इज लगाएंगे, तो हिज ब्रेकफास्ट इज, और उसके बाद लगाएंगे मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा, तो हिज ब्रेकफास्ट इज मेड हो जाएगा, और ही का मीन्स हिम हो जाएगा उसके पहले बाय, तो हिज ब्रेकफास्ट इज मेड बाय हिम। इसी तरह से दे हैड डन देयर होमवर्क, तो देयर होमवर्क हैड बीन डन बाय देम। फिर है शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स इज बींग वॉश्ड बाई हर, है ना। तो ये हो गया, और आगे देखते हैं। मीन्स ये आपके लिए एक्सरसाइज है, मीन्स आप इस एक्सरसाइज को करिएगा अच्छे से, ठीक है। मीन्स और ट्राई करिए, देखिए आपसे कितने हो पा रहे। बस आपको फाइव रूल्स याद रखने। फाइव रूल्स कौन से हैं, मैं पूरा फिर से एक बार आपको दिखा दूँ। मीन्स फाइव रूल्स हमारे कौन कौन से हैं, तो हमने शुरू किया था मीन्स यहाँ से, है ना। फाइव रूल्स में से अगर हम बात करें तो पहला हमारा रूल हो जाएगा, क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट इसको आइडेंटिफाई करना है, टेंस को पहचान लीजिए। सेकंड में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको रूल कौन सा अप्लाई कर देना है, एक्स वाला। यहाँ इधर मीन्स सब्जेक्ट उधर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्स रूल लग जाएगा, ठीक है, यस। और फिर उसके बाद में हमने रूल नंबर थर्ड देखा कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है पैसिव वॉइस में, ये पहचान ही उसकी मेन है, ठीक है। फिर हमने देखा रोल नंबर फोर्थ में क्या करना है, आपको प्रोनाउन चेंज करने रहेंगे। प्रोनाउन में क्या होगा, अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में, मी ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, है ना। और अगर मान लो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मी है, तो जब आप उसको पैसिव में सब्जेक्ट हम बनाते हैं तो मी का आई हो जाएगा, मतलब क्या अदला बदली हो जाती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं रोल नंबर फिफ्थ, हमने क्या देखा, हेल्पिंग ऑफ को आपको चेंज करना है, है ना। मतलब सारे इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग ऑफ किसकी लगेंगी, कंटिन्यूस की, और परफेक्ट में तो एक स्टेप और आगे चले जाएंगे, ठीक है। और कंटिन्यूस में वही रहेंगी, बस आपको बीइंग लगाना है ना। तो ये हमारे सारे हो गए रूल्स, है ना। अब हम मीन्स ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हमको जरूरत रहेगी प्रैक्टिस के लिए तो हम आगे और भी एक सेशन लेकर आएंगे इसके ऊपर, है ना। वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगला सेशन आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तभी मीन्स हम उस पर वर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप लाइक और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।